हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट्स। तो यूकेरियोट्स में कैसे जीन एक्सप्रेशन होता है, लास्ट में हमने इससे लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ा था। तो यूकेरियोट्स में भी जो बेसिक ऑपेरॉन सिस्टम था, जिसमें कि दो टाइप के सिस्टम हमने पढ़े थे, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल, तो उसी तरीके का जैसा बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था ऑपेरॉन सिस्टम, उसी तरीके का यूकेरियोट्स में भी होता है। दोनों ही इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल दोनों ही फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है ऑपेरॉन सिस्टम, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। तो इसमें क्या है कि हॉर्मोन्स, वाइटामिन्स, मेटल आयंस या मिनरल्स या केमिकल्स या पैथोजेंस, कोई भी अगर सेल में बन रहा है या सेल के अंदर एंटर कर रहा है, तो वो कुछ जीन्स के, सर्टेन जीन्स के जो एक्सप्रेशन है उनको इंड्यूस कर सकता है या रिप्रेस कर सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से इंड्यूस या फिर रिप्रेस करेगा तो इसके जीन्स के एक्सप्रेशन को, तो उसकी वजह से कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो या तो बनेंगे या फिर उनका बनना स्टॉप होगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा अल्टीमेटली, कि कुछ जो मेटाबॉलिक पाथवे है या तो वो इनिशिएट होंगे नए मेटाबॉलिक पाथवे, या फिर जो चल रहे हैं वो, जो एग्जिस्टिंग मेटाबॉलिक पाथवे चल रहे हैं वो टर्मिनेट होंगे, यानी वो बंद होंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सेल का फंक्शन ऑल्टर होगा। अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, सेम ही है बट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन है उसमें हमें ध्यान रखने हैं। तो पहला तो ये है कि डायग्राम से हम समझते रहेंगे, पहला ये है कि जो अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जैसे हमने उसमें इससे पहले ऑपेरॉन सिस्टम इन बैक्टीरिया पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि वो एक साथ प्रेजेंट थे, एडजेसेंट थे, लेकिन जो अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन्स हैं यूकेरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक ही मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो एडजेसेंट नहीं हैं। हो भी सकते हैं लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो एडजेसेंट नहीं होंगे, यानी पास पास नहीं होंगे, और जनरली वो पर्ट एक ही क्रोमोसोम में दूर दूर स्पेस होंगे या फिर वो डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ है ये। दूसरी चीज़ क्या है कि हर जो एक स्ट्रक्चरल जीन है, दूसरा पॉइंट ये है कि हर जो एक स्ट्रक्चरल जीन है उसका अपना प्रोमोटर जीन होगा। ईच स्ट्रक्चरल जीन विल हैव इट्स ओन प्रोमोटर जीन। सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट है कि जो यूकेरियोट्स होते हैं उसमें कुछ सेंसर जीन्स होते हैं। सेंसर जीन्स का क्या काम है कि अगर इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, सेल के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, जैसे कि कोई प्रेजेंस या एबसेंस ऑफ किसी कोई हार्मोन, इसमें से जो मैं बताऊंगी उसमें से कोई चीज़ प्रेजेंट या एबसेंट हो गई, क्या चीज़, हार्मोन, एंजाइम, मेटल आयंस या आपके केमिकल्स, वाइटामिन्स, पैथोजेंस, तो उनको ये सेंस करेंगे सेंसर जीन्स, ठीक है। सेंसर जीन्स यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। चौथा क्या है कि यूकेरियोट्स में कुछ इंटीग्रेटर जीन्स होते हैं। इन इंटीग्रेटर जीन्स का क्या काम है कि ये स्ट्रक्चरल जीन्स की फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स की फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं कौन? इंटीग्रेटर जीन्स। अगेन इंटीग्रेटर जीन्स आर प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स। ओके, अब पांचवा पॉइंट क्या है कि कुछ इन्हेंसर
या साइलेंसर जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनहेंसर जीन्स क्या करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करेंगे, और साइलेंसर जीन्स क्या करेंगे उसे रिटार्ड करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिटार्ड करेंगे। तो कैसे कैसे जीन्स बताए मैंने कि सेंसर जीन्स हैं यूकेरियोट्स में, उनमें इंटीग्रेटर जीन्स हैं और इन्हेंसर एंड साइलेंसर जीन्स हैं, ठीक है, इन्हेंसर जीन्स एंड साइलेंसर जीन्स। आई थिंक दीज फाइव पॉइंट्स आर क्लियर। देन द सिक्स्थ पॉइंट इज कि जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन होता है, यानी यूकैरियोट्स में जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है उसमें कुछ कोडिंग रीजन्स और कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स इंटरस्पर्स्ड होते हैं, यानी कभी कोडिंग रीजन आता है कभी नॉन कोडिंग रीजन्स आते हैं, जिनको कि हम एग्जॉन्स और इंट्रॉन्स बोलते हैं। ये टर्म्स भी हम पहले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। एग्जॉन्स क्या होते हैं, कोडिंग सेगमेंट होते हैं, और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो यूकैरियोट का जो स्ट्रक्चरल जीन है, जैसे मैंने यहाँ पर यूकैरियोट का एक स्ट्रक्चरल जीन बनाया है, तो इसमें कुछ कोडिंग सेगमेंट होंगे, कुछ नॉन कोडिंग सेगमेंट्स होंगे। जो कोडिंग सेगमेंट है वो एग्जॉन्स हैं, जो नॉन कोडिंग सेगमेंट्स हैं उनको इंट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे कि पहला हो गया, ये तो प्रमोटर हो गया, ठीक है, प्रमोटर यहाँ पर रीजन हो गया। उसके बाद ये एग्जॉन वन है, इंट्रॉन वन, एग्जॉन टू, इंट्रॉन टू, एग्जॉन थ्री, इंट्रॉन थ्री। ऐसा नहीं है कि ये लगातार ही इस टाइप से होंगे, कुछ एग्जॉन्स लगातार भी हो सकते हैं, कुछ इंट्रॉन्स उसके बाद में इंट्रॉन्स भी आ सकते हैं, ठीक है, ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं। फिलहाल मैंने ये सीक्वेंस बना रखा है। ये क्या है, डीएनए, यानी एक डीएनए का एक सेगमेंट है, ठीक है, यानी और उसमें ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। इस जो मैंने बताया कि यूकैरियोट का जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसमें इंटरस्पर्स्ड एग्जॉन्स एंड इंट्रॉन्स होते हैं, यानी इंटरस्पर्स्ड कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो इस टाइप का जो जीन होता है उसे हम बोलते हैं स्प्लिट जीन, ठीक है, स्प्लिट जीन, यानी ऐसा जीन जिसमें कि एग्जॉन्स और इंट्रॉन्स हैं, ठीक है, स्प्लिट जीन बोलते हैं। इसको रॉबर्ट्स एंड शार्प ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, रॉबर्ट्स एंड शार्प, ओके। तो जो एग्जॉन्स हैं वो कोडिंग सेगमेंट है, यानी ये एसेंशियल सेगमेंट है, एसेंशियल रीजन है जीन में, यानी जीन्स के ये एसेंशियल रीजन्स हैं। और एसेंशियल क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसक्राइब करेंगे, ठीक है, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जब इन पर्टिकुलर सेगमेंट या इन पर्टिकुलर जो पोर्शन है उसका अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी अगर एग्जॉन्स का ऐसे सेगमेंट्स जो कि कोड करेंगे, ऑफ कोर्स उनका क्योंकि वो कोडिंग सेगमेंट्स है उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो वो एमआरएनए के पार्ट बनेंगे और आगे जाके वो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाएंगे, अलग अलग कोड्स जो उनमें प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाएंगे, यानी वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। जबकि जो इंट्रॉन्स हैं वो नॉन एसेंशियल रीजन्स हैं, वो प्रेजेंट हैं, लेकिन वो ना भी प्रेजेंट होते तो चल जाता, लेकिन ऑफकोर्स उनका ट्रांसक्रिप्शन भी होता ही है। तो ये नॉन एसेंशियल रीजन्स होते हैं क्या, इंट्रॉन्स, और इनको इम्पॉर्टेंट है ये टर्म जंक डीएनए, इनको जंक डीएनए भी बोलते हैं या स्पेसर डीएनए। स्पेसर डीएनए क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का खाली स्पेस बना रहे हैं, ठीक है, स्पेसर डीएनए भी बोलते हैं, जंक डीएनए या स्पेसर डीएनए, या इनका एक और नाम है इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, ये ऐसे सीक्वेंस है जो इंटरवीनिंग है, ठीक है, आईवीएस। तो आपको जंक डीएनए या स्पेसर डीएनए आईवीएस ये पूछा जा सकता है कि ये क्या होते हैं। दीज आर इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग रीजन्स एंड नॉन एसेंशियल रीजन्स, ठीक है। तो जब भी एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो उसके साथ साथ कोडिंग सीक्वेंस तो ट्रांसक्राइब होंगे ही, लेकिन जंक डीएनए भी, यानी जो इंट्रॉन्स होते हैं वो भी ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। तो इस वजह से जब ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये एग्जॉन्स तो उनको तो होना ही होना है, लेकिन साथ में इंट्रॉन्स भी हो गए, तो ये एग्जॉन आया, ये इंट्रॉन आया, ये एग्जॉन है, ये इंट्रॉन है, एग्जॉन एंड सिमिलरली इस टाइप से, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये आपका क्या है, एमआरएनए,
ठीक है, mRNA बना। अब इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये तो ज़रूरी है, ये वाला पोर्शन भी ज़रूरी है, ये वाला पोर्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऐसे कोड्स हैं, ऐसे जेनेटिक कोड्स हैं जो कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में है, जो जंक डीएनए है या स्पेसर डीएनए है या आईवीएस है, इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी पॉलीपेप्टाइड का ये कोई पार्ट नहीं बनेंगे। तो अब इस केस में एक लंबा स्ट्रेच आपको एमआरएनए का मिलेगा जो कि इस जितना भी डीएनए ट्रांसक्राइब हुआ उसी के इक्वल होगा लेंथ में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एमआरएनए वांटेड सीक्वेंसेस, वांटेड बेस सीक्वेंस भी है और अनवांटेड बेस सीक्वेंस भी है। तो इस टाइप का जो आरएनए होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए, ठीक है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए या HNRNA। तो HNRNA भी पूछा जाता है कि HNRNA क्या है, या इसको आप कह सकते हो प्री मैसेंजर आरएनए, प्री मैसेंजर आरएनए, यानी mRNA से ठीक पहले बनने वाला प्री mRNA, मतलब क्या होता है मैसेंजर आरएनए, इससे ठीक पहले ये बना है प्री प्री मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब इस जो HNRNA बना ये हमारा क्या है बेसिकली, इसको अगर हम mRNA ना कह के HNRNA कहें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। HNRNA कैसा आरएनए है जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो सीक्वेंसेस थे डीएनए में, वो सब ट्रांसक्राइब होकर आ गए, ठीक है। तो अब इस HNRNA में से कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि जो नॉन एसेंशियल या अनवांटेड बेस सीक्वेंसेस हैं उनको रिमूव कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जब ये बेस सीक्वेंसेस रिमूव हो जाएंगे और ये जो एसेंशियल जो सीक्वेंसेस हैं यानी जो कोडिंग सेगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जब वो आपस में जुड़ जाएंगे तब आप आपका ये बन गया मैसेंजर आरएनए। ये HNRNA क्या था, प्री मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से जो ठीक पहले बना प्री मैसेंजर आरएनए, अभी क्या बन गया mRNA। इस mRNA में ये जो हमें एसेंशियल सीक्वेंसेस थे सिर्फ वही आके जुड़े हैं। तो इस जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग, ओके। तो ऐसे बेस सीक्वेंसेस आपस में जुड़े जो कि फर्दर जब उनका ट्रांसलेशन होगा तो वो अमीनो एसिड्स को बनाएंगे और इस तरीके से वो पॉलीपेप्टाइड जो हमारा बनेगा उसमें, उसको बनाने में वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जो इसकी प्रोसेसिंग हुई एमआरएनए की, मतलब कि HNRNA में से जो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हटे इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो अगेन दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट। अब जो ये प्रोसेस्ड एमआरएनए बना ये क्या करेगा, ये आगे चलकर क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, आगे जाकर पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। अब ये क्या, अब कैसे पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, अभी ये सब कहाँ हुआ, न्यूक्लियस के अंदर हुआ, ठीक है। अब ये जो ये बना रखा है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इनमें न्यूक्लियर, आपको पता है कि न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। तो ये एक पोर्स जो न्यूक्लियर पोर है उसके थ्रू ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो जब ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो फिर कहाँ, राइबोसोम, जो राइबोसोम में जाएगा वहाँ आरआरएनए होगा, टीआरएनए आएगा। तो ये देखिए पॉलीजोम्स, जो हम सब पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स इनके ऊपर, इस एमआरएनए के ऊपर चिपक जाएंगे, इनको पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। फिर पूरी की पूरी ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और उससे क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूकेरियोट्स में पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो प्रोसेस्ड एमआरएनए, जो फाइनल में आपको मैसेंजर आरएनए बना, वो जो है कोलीनियर है किससे, पॉलीपेप्टाइड। कोलीनियर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस्ड एमआरएनए कम्स आउट ऑफ दिस
दिस प्रोसेस्ड mRNA एंड द पॉलीपेप्टाइड विच इट कोड्स फॉर, दे आर कोलीनियर. तो ये mRNA और जो पॉलीपेप्टाइड जिसने बनाया ये कोलीनियर है. इसका अगर सिंपल उसमें देखें कि जितना भी ये mRNA बना ये इतना ही बड़ा एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा. मीन्स इसमें सपोज ये कोड, ये जो कोड बना सपोज 1, 2, 3, तो यहाँ पर ये जो ट्रिपलेट है ये एक अमीनो एसिड बनाएगा. फिर जो सेकंड ट्रिपलेट होगा 4, 5, 6 वो यहाँ पर एक अमीनो एसिड बनाएगा. ये अमीनो, तो ये क्या है, कोलिनियर है. जबकि जो जीन था वो क्या है, जीन्स स्प्लिट है. सिंपल लैंग्वेज में जीन था लंबा, जो डीएनए सीक्वेंस था लंबा क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट थे. लेकिन जो एमआरएनए का जो लेंथ है वो पॉलीपेप्टाइड के लेंथ के मतलब कि क्या है, कोलिनियर है. ठीक है, कोलिनियर इज एग्जैक्ट टर्म विच वी शुड यूज. ओके, तो ये था जीन एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट्स. तो आई थिंक आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.